إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. यह सूरतुल इसरा या सूरतु बनी इसराइल के दूसरे रुकू की चंद आयात हमने तिलावत की है। इस रुकू में अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी अहम हिदायत अता फरमाई है। इल्म व हिकमत पर मबनी बातें जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं उनकी तरफ इशारा फरमाया है। एक एक बात गिरह में बांधने के काबिल है। फरमाया वक़ा रब्बु का अल्ला ताबुदु इल्ला इया, और तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया, ये हुक्म दे दिया कतई लाजमी, जिसमें गुंजाइश नहीं बची किसी तकदीम ताखीर की या पैसों पश करने की, पसों पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आगे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करना, उसके अलावा किसी को शरीक न ठहराना बंदगी में, दुआ में, सजदा करने में, शिर्क ना करना। नंबर एक पर यही बात कुरान मजीद जगह जगह बयान करता है, इसलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद अगर सही से समझ लिया जाए और पढ़ लिया जाए तो फिर आदमी मुशरिक कभी नहीं हो सकता। वो और कोई कोताही में वाक़ हो जाएगा लेकिन शिर्क नहीं करेगा किसी भी हाल में। दूसरी बात फरमाई वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, अच्छा अमल करना, उनके साथ नरमी का बर्ताव करना। इम्मा यबलुगन इंदकल किबर, अगर वो तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, अहद हुमा औ किला हुमा, एक या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो फिर उनसे उफ भी ना कहना। ये खास बात फरमाई कि उफ भी ना कहना। क्यों ये बात फरमाई? इसलिए फरमाई कि बुढ़ापे की उम्र में फिर कई माजूरियां शुरू हो जाती हैं, अकली सलाहियत भी कमज़ोर हो जाती है, उनके मिजाज में और कोई कमज़ोरी भी हो सकती है, तो फिर बेटा परेशान होकर ओहो कितनी बार कह दिया, ये अंदाज इख्तियार कर लेता है, उसी को कहा है उफ भी ना कहना। उनके साथ हुस्ने सुलूक करते रहो, चाहे वो कितनी ही मर्तबा बात को दोहराएं या कैसा ही उनका मिजाज हो, उसको बर्दाश्त करना, झेलना। वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं, कलाम करते हुए बातचीत करते हुए उनको जवाब में झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नर्म बात कहना, नर्म अंदाज में उनसे कोई भी बात करो तो नर्म अंदाज में करना। वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, और उनके लिए नरमी के बाजू झुका देना रहमत के साथ, यानी शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत उनको देना, और बिल्कुल ग़ुलाम की तरीक़े से उनके सामने मुतीउ फरमाबरदार, जैसे एक आका बहुत ही सख्त मिजाज हो और ग़ुलाम बेचारा सीधा सादा हो, वैसे रहना अपने माँ बाप के सामने। ये कुरान मजीद की हिदायत है। इतनी लंबी हिदायत
अक्सर कुरान मजीद बहुत उसूली बातें करता है, लेकिन यहाँ तो जुज़वी बातें कर रहा है कुरान शरीफ। सोचने की बात है, माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहना कि ए परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला पोसा। तो अल्लाह अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं उनका बदला नहीं चुका सकता, तो आखिरी दर्जा ये है कि फिर अल्लाह ही से दुआ करें, अल्लाह उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब बहुत जानता है जो तुम्हारे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में उनकी मोहब्बत है, उनके साथ हुस्न सलूक का जज्बा है, अल्लाह वाकिफ है। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम नेक रहोगे, फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, तो अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बख्श देता है। थोड़ी बहुत गलती हो गई, कुछ कहने सुनने में आ गई बात, लेकिन मोहब्बत का बर्ताव करते हैं, प्यार का बर्ताव करते हैं, दिल में जज्बा है, तो फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तौबा कर लो और फिर अच्छा सलूक करने लगो। व आती दल क़ुरबा हक्का, आगे फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिश्तेदार को उसका हक दो, रिश्तेदार को उसका हक दो। अगर गरीब है तो उनकी मदद करो, ताउन करो, और बीमार हो तो उनकी इयादत करो, उनके साथ गमी खुशी में शरीक रहो। रिश्तेदार को उसका हक दो। वल मिस्कीन, मिस्कीन को, गरीब को, फ़कीर को, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है उसको हक दो। वबन सबील, मुसाफिर को उसका हक दो, मुसाफिर आकर हमारे यहाँ कोई भूखा ना रहे। वबन सबील, वला तुबद्दिर तब्दीरा, और पैसा ना उड़ाओ, सब हकूक़ अदा करो और पैसे की हिफाजत करो। पैसे को गलत जगह इस्तेमाल करने के बजाय सही ज़रूरियात उनसे पूरी करो, कार खैर करो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, रिश्तेदारों को दो। शादी में इतना उड़ा दिया, अल्लाह ताला फरमाता है पैसा ना उड़ाओ, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, रिश्तेदारों को दो, मुसाफिरों की इयानत करो, उनकी खिदमत करो। शादी में 10 लाख 50 लाख खर्च कर दिया, उससे कितने गरीबों का खर्च चल सकता था, कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती बेचारों की, गरीबों की, और उसको उड़ा दिया शान व शौकत में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, पैसा उड़ाने वाले, इसराफ करने वाले, फजूल खर्ची करने वाले, अपनी शान बघारने वाले, ये शयातीन के भाई हैं जो फजूल खर्ची करते हैं, ऐसे पैसा उड़ाते हैं अपनी शान की खातिर। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान ने रब का ना शुक्रा है, इससे कुछ हासिल भी नहीं होता है, फजूल खर्ची करने से शान भी नहीं बढ़ती है सही मानों में। तो वइम्मा तुरिदन अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा, और अगर तुम गरीबों से एराज करना करो अपने रब की रहमत की उम्मीद में, यानी अभी पैसा नहीं है उनको दे नहीं पा रहे हो, कुछ एराज करना पड़ रहा है, उनसे मुंह मोड़ना पड़ रहा है, तो फ़कुल लहुम कौलम मैसूरा, तो नर्म बात कह दो। मत कहो अरे यार तुमसे कह दिया है कि नहीं है पैसा, ठीक है भाई साहब अभी नहीं है, तनख्वाह मिलेगी जब आ जाना हम दे देंगे आपको। नर्म बात कहो, अगर उनसे किसी वजह से अपने रब की आइंदा रहमत की उम्मीद हो और अभी नहीं है, अल्लाह ताला कह रहा है कि रहमत की उम्मीद में, ये नहीं कहा अभी नहीं है, लेकिन बस उम्मीद दिला रहा है कुरान शरीफ कि आगे आने वाला है, इसलिए अभी चश्मपोशी करना पड़ रहा है। तो नर्म बात कह दो उनसे। वला तजअलियतक मगलूलतन इला उनुकिका, और अपने हाथ को गर्दन से बांध के भी ना रखो, यानी फिजूल खर्ची ना करो, तो कंजूस भी ना बनो कि फिर खुल ही नहीं रहा है हाथ, बंद गया है बिल्कुल, जेब में जा ही नहीं रहा है, जा रहा है तो बाहर खाली निकल रहा है, कि अपने हाथ को गर्दन से बांध के भी ना रखो। वला तबसुत था कुल्लल बस्त, और पूरी तरीके से खोल भी ना दो उसको, फतकूना मलूम महसूरा, वरना तो ऐसे बैठ जाओगे कि सब लोग मलामत करेंगे और तुम अफसोस और हसरत करते रहोगे, सब लोग कहेंगे क्यों उड़ा दिया भैया पैसा, और खुद भी अफसोस करोगे। तो बीच की चाल चलो। इन रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, आगे अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसको चाहता है ज्यादा देता है रिज्क, और खूब फरावानी देता है, कुशादगी देता है, रिज्क जिसके चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादी खबीरन बसीरा, अल्लाह अपने बंदों से बाखबर है और
वाकिफ है, उनको देखने वाला है, तो मतलब ये है कि घबराना नहीं चाहिए। गरीब है तो अल्लाह की तरफ से, अमीर है तो अल्लाह की तरफ से, उसमें इतराना नहीं चाहिए। गरीबी में हो सकता है फायदा हो, इसीलिए अल्लाह ताला जानता है अपने बंदों को किसको कितना देना चाहिए। तो अल्लाह वाकिफ है, ये बात कही जा रही है इसके बाद कि जिसको चाहता है ज्यादा, जिसको चाहता है कम, कि अल्लाह जानता है अपने बंदों को। मतलब अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत ये किया है, इसलिए ज्यादा शिकवा और शिकायत नहीं करना चाहिए, और इतराना भी नहीं चाहिए ज्यादा मिल गया है तो, बल्कि इम्तिहान समझना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल ना कर दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको बढ़ो, पालो पोसो, औलाद की कसरत अच्छी बात है, औलाद को कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे उनको भी रिस्क देंगे। उनको कत्ल करना औलाद को बड़ा गुनाह है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहू काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ये नहीं कहा कुरान ने ज़िना ना करो, क्या फरमाया, ज़िना के करीब भी ना जाओ। आप किसी को देख रहे हैं तो ये ज़िना के करीब जाना हुआ, क्योंकि नजर जो है वो तीर है, तीर घायल कर देगा, तो इसलिए जो करीब ले जाने वाली चीजें हैं वो भी इख्तियार को अपनी नजर झुका करके रखो। मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा, पर्दे का औरतों से कहा, जब बाहर निकलो तो घूंघट डाल लो ताकि लोग पहचान जाएं कि ये शरीफ खातून है। तो जिना के करीब भी ना जाओ, इन्नहु काना फाहिशा, ये बेहयाई का काम है और बहुत बुरा रास्ता है। वला तक्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और अल्लाह ने जिस जान को हराम कर दिया उसको कत्ल ना करो। और अगर किसी को जुल्मन कत्ल कर दिया किसी ने, तो हमने वली को उसको इख्तियार दिया है कि वो किसास ले ले काजी के पास जाकर, कि मेरे भाई को इसने मार दिया है, अब आप इसको मारिए बदले में, इंतकाम में। तो फिर इख्तियार दिया हमने, फला युसरिफ फिल कत्ल, फिर वो कत्ल करने में ज्यादती ना करे, एक के बदले में एक ही जान ली जा सकती है काजी के पास ले जाकर। किसास का हक है कि काजी अगर चाहे तो इसी से कह देगा तुम ही मार दो अपने हाथ से, फिलहाल काजी हुक्म देगा कि तुम्हारे भाई को मारा है या तुम्हारे बेटे को मारा है तो उसको मारा जाएगा। हमने इख्तियार किया है, अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन ये हमारी महरूमी की बात है कि इन अहकाम पर अमल नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि इस्लामी इख्तदार नहीं है। इन हुकान मंसूरा, और उसकी मदद की जाएगी, जिसका कोई मारा गया है रिश्तेदार, फिर उसको पूरा हक दिलाया जाएगा, अगर वो राजी हो जाएगा तो उसका तावान ले सकता है माफ करके, तो फिर उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे जो फिर उसके काम आएंगे। वला तक्रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, और यतीम के माल के करीब ना जाओ, यतीम का माल जो भाई मर गया है तो अब भाई कब्जा कर ले, ये गलत है। उसके बेटों को, यतीमों का माल है, उसके करीब भी ना जाओ, मगर अच्छे तरीके से, नहीं हिफाजत करने की गरज से, जब वो बालिग हो जाए तो फिर उनको दे दो। और अहद को निभाओ, औफू बिल अहद, अहद जो अहदो पैमान आपस में कर लेते हो तुम के मैं ऐसा आपको दे दूंगा, आप ऐसा कर लो मैं ऐसा कर लूंगा, ये जो आपस में मुआहदे हो जाते हैं इनको पूरा करो। इन्नल अहद काना मसूला, अहद की पूंछ होगी आखिरत में। और फरमाया वाउफुल कैला, नापो तो पूरा नापो, वजीनू बिल किस्तासिल मुस्तकीम, सीधी तराजू से तोलो, सीधी तराजू, लोग उल्टी से तराजू में कुछ ऐसा सिस्टम कर देते हैं कि अपने लिए तोलते हैं तो ज्यादा आ जाता है, दूसरे के लिए देते हैं तो कम आता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने सीधी तराजू से तोलो और पूरा नापो, जालिक खैरून, ये बेहतर है, वाहसनो तावीला, अंजाम के एतबार से बेहतर होगा। अभी तो लग रहा है कि हाँ फायदा है कम तोलने में, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अंजाम के एतबार से पूरा तोलना ज्यादा बेहतर है। लोग अमानतदार के ताजिर को समझकर ज्यादा आएंगे, ज्यादा तिजारत फरोख पाएगी, और तुम डंडी मारोगे तो पता चल जाएगा, और अल्लाह की तरफ से और भी आफतें आ सकती हैं और बरकत नहीं होगी। और जिसका इल्म ना हो उसके पीछे ना जाओ, अपने सुराग लगाया, जासूसी की, गीबत की, ये गलत बात है। इन्न समा वल बसरा, कान और निगाह और दिल, इनके बारे में पूछा जाएगा। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ कर इतरा के ना चलो, कितनी कीमती बात है अल्लाह ने फरमाया। तुम जमीन फाड़ तो नहीं सकते, पहाड़ों की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हारी क्या हैसियत है अल्लाह की मखलूक के सामने। ये सारी बातें अल्लाह को नागवार हैं, ये हम वही कर रहे हैं, तुम्हारे रब ने ये बातें
हिकमत की तुम्हारी तरफ वही की है, और फिर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ दूसरे खुदा को, वरना जहन्नम में तुमको डाल दिया जाएगा मलामत किए हुए और धुतकारे हुए। अल्लाह ताला हमें इन कीमती बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी व अला आलिहि व सहबी। Thank you.